हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज के मैं आपको दिखाएंगे बाथ मैट, जिसको मैं लोकल मार्केट से लेके आया था। ऐसे वाले बाथ मैट आपने हो सकता है ऑनलाइन भी अमेजोन में देखे हो। तो आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे हैं ये बाथ मैट। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोज मिलते रहें। तो सबसे अगर आपको पहले मैट दिखाऊँ तो आपने देखा होगा इनकी क्वालिटी कुछ इस तरीके से आती है, और आपने इस तरीके का हो सकता है डिज़ाइन वाला, बैक साइड वाला और फ्रंट वाला आप जो अभी लुक देख पा रहे हैं ये आपको ऑनलाइन भी देखा होगा मिलते हुए। और आप देखेंगे मैंने इसको लिया है होम ब्यूटीफुल ब्रांड का, जो आपका विशाल मेगा मार्ट के एंड से आता है। बैक साइड से दिखाऊँ तो ये एंटी स्लिप होता है, तो इसका फायदा ये होता है कि अगर आप इसको अपने वॉशरूम वगैरह के बाहर रख रहे हैं और जब भी आप बाहर निकलते हैं और अपना गीला पैर वगैरह रखते हैं तो उस केस में ये स्किप नहीं करेगा। तो ये चीज़ जो है मुझे अच्छी लगी, और ये एंटी स्किप भी है। इसको मैंने टेस्ट भी कर रखा है तो इतनी आसानी से मूव नहीं करता है जब तक कोई इसको खींचे ना। ये डर्ट रेसिस्टेंट है, जो कि आपको देख भी जाएगा, क्योंकि जो आपके बाकी मैट होते हैं आपने देखा होगा उसमें जो बाल वगैरह रहते होते हैं तो उसमें होता क्या है कि जो टूड़ा वगैरह जो होते हैं, हेयर्स वगैरह होते हैं, वो फंस जाते हैं। बट आप देखें ये एकदम फ्लैट है, तो इसको अगर आप झाड़ेंगे या इसमें अगर वो क्लीन भी करना चाहते हैं तो ईजिली क्लीन हो जाएगा। और कंपनी क्लेम करती है, जैसे आप यहाँ पर रीड भी कर पाएँ, कि ये वाटर एब्जॉर्बेंट है और 2 से 3 टाइम अपने वेट के, जो उसका वेट है उसके हिसाब से पानी को एब्जॉर्ब कर पाता है। तो इसको हम टेस्ट भी कर लेंगे। तो जैसे आपको मैंने बैक साइड से दिखाया तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रबड़ वाला, जो आप क्वालिटी देख पा रहे हैं, फ्रंट से ऐसा है। और ये अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपको यहाँ पे जैसे बाथरूम प्रिंट है तो आपको यहाँ पे होम प्रिंट या बाकी भी वाली चीज़ें भी प्रिंट होकर मिल जाएंगी, तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं आपको किस तरीके के ये वाले मैट चाहिए। तो दिखने में बहुत अच्छे होते हैं ये बाथ मैट जो आप अभी देख रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी ड्रॉप करके टेस्ट करते हैं कि क्या ये सच्ची में पानी को सोख पाते हैं या पानी साइड से निकल जाता है। तो मैं करूँगा क्या, पानी को यहाँ पर गिराऊंगा और देखेंगे पानी ये सोख पाता है या नहीं, या पानी यहाँ से साइड से निकलता है। तो पानी को ड्रॉप करते हैं यहाँ पर, और मैं नीचे से देखूंगा कि जो अभी टेबल है इस पर पानी आ रहा नहीं आ रहा। इस तरीके से आप देखें मैंने पानी यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है, तो मैं अभी छेड़ता रही, तो आप देखेंगे पानी जो है वो इस तरीके से यहाँ पे अपने आप एरिया में फैल रहा है, और ये वाला पानी भी ऑलमोस्ट इसने सुखा लिया। अगर आप देखें इस एंगल से तो पानी इसमें सूख गया है, और नीचे की साइड से चेक करें तो ये एकदम सूखा है, टेबल भी सूखा है, तो पानी नीचे नहीं पहुँचा। मैं पानी की क्वान्टिटी को फिर से थोड़ा और बढ़ाता हूँ और उसी एरिया में गिराता हूँ कि देखते हैं कितना पानी उस एरिया में सोख पाता है। तो आप देखेंगे फिर से ये पानी फैल रहा है इस तरीके से आप देख पाएंगे, और पानी को इसने अभी भी यहाँ पे सोख लिया है, ये अभी और सोख लिया। और टेस्टिंग के लिए और पानी डालते हैं, तो अभी तक जो रिजल्ट है वो बहुत ही एक्सेलेंट रिजल्ट है, क्योंकि कोई भी अभी तक मैंने मैट इतना इफेक्टिव नहीं देखा है जो एक ही एरिया में लगातार पानी डालने में भी वो पानी को बाहर नीचे नहीं आने दे रहा। अभी भी देखें ये सूखा है और ये भी एकदम सूखा है, पानी इसके नीचे नहीं जा रहा है और सारा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। तो इसको अभी भी देखें तो आप देखेंगे मेरा हाथ सूखा ही आ रहा है। अगर मैं इस तरीके से प्रेस करूँ, इस तरीके से देखें तो ये इसने पानी को फैला दिया है, और पानी डालते हैं उसी एरिया पर। अब देखते हैं कि क्या पानी को ये बाहर निकालता है, क्या करता है, ये जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, अभी टेबल की हो सकता है अलाइनमेंट थोड़ी सी टेढ़ी हो, इसलिए आप देखेंगे पानी इस तरीके से इसको आगे कर देता हूँ ताकि पूरा देख पाएँ। तो ये पानी पूरा फैल रहा है मगर नीचे अभी तक बाहर पानी यहाँ से नहीं पहुँचा है। तो ये तो बहुत ही इफेक्टिव है ये जो मैट है, अभी देखने को भी पता चल जा रहा है पूरे टेस्ट के बाद। तो दोस्तों अभी तो मैं और पानी डालूंगा, जिस हिसाब से कंपनी ने क्लेम कर रखा है 2 से 3 टाइम्स ये पानी को अब्जॉर्ब करके अपने वेट के अकॉर्डिंग, तो ये सच है। और अभी तक तो मैंने इस पर पानी एक ही एरिया में गिरा रहा हूँ, तो अगर आप जब भी इसको अपने बाथरूम के या वॉशरूम के बाहर रखेंगे तो ये पानी को इफेक्टिवली सोख पाएगा। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है इस मैट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका जरूर रिप्लाई करेंगे। और आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।